हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रोटेक एंड आज हम करने वाले हैं अनबॉक्स एंड रिव्यू OnePlus 6 का. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गो स्ट्रेट इनटू द वीडियो. यहां पर चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स. तो यहां पर आपको दिखा देता हूं बॉक्स. यहां पर बॉक्स अगर आप देखेंगे तो व्हाइट एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है, जैसा कि टिपिकल डिजाइन होता है OnePlus का, वैसा ही डिजाइन आपको इसमें ही देखने मिल जाएगा. एंड अगर इसके बॉक्स पर लिखी हुई प्राइस को देखें तो यहां पर 35999 आपको देखने मिलेगा. एंड मुझे इसकी प्राइसिंग आई है 34999 प्लस SBI का 2000 कैशबैक. सो आई थिंक मुझे 33000 के अराउंड एक हैंडसेट पड़ेगा. तो यही है इसकी प्राइसिंग. अगर बात करूँ यहाँ पर वेरिएंट की तो यहाँ पर है 6GB रैम एंड 64GB रोम वाला वेरिएंट है. सो चलिए इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और ओपन करते हैं इसके बॉक्स को, देखते हैं क्या मिलता है आपको इसके बॉक्स के अंदर. एंड अगर इसे बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर OnePlus 6 रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. एंड यहाँ पर आईफोन का नॉच वाला डिज़ाइन देखने मिल जाएगा, जो कि आजकल सभी फॉलो कर रहे हैं. OnePlus आपको ईयरफोन्स नहीं देता है, तो इसमें भी आपको ईयरफोन्स नहीं मिलने वाले हैं. और आपको मिलेगा चार्जर. अगर आप इसका चार्जर देखेंगे तो चार्जर सेम ही है जो पहले था, चार्जर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं. यहाँ पर अगर आप गेटा केबल देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने मिलेगी, जो कि OnePlus में स्टार्टिंग से ही आती है. एंड ऐसे फ़ोन को रखते हैं साइड में और आप इसके नीचे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रखा है, तो चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बैक कवर रखा मिलेगा आपको साथ में. ये प्रीवियस मॉडल जैसा नहीं है, जैसे कि OnePlus 5 में आपको मिलता था एक हार्ड बैग, वैसा हार्ड बैग इसमें नहीं मिलेगा. इसमें आपको सिलिकॉन बैक कवर देखने मिलेगा, जो कि अच्छा है. अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इस कवर की भी एंड इस फोन की तो है ही. हम देख लेते हैं फोन को, तो फोन के साइड में आपको बटन देखने मिल जाएंगी. तो यहाँ पर जैसा कि सभी दिखाते हैं वैसा ही आप देख सकते हैं. यहाँ पर आपको वॉल्यूम का बटन देखने मिल जाएगी, ऊपर आपको कुछ भी देखने नहीं मिलेगा, नीचे आपको 3.5mm का जैक देखने मिल जाएगा. एंड आईफोन से एक मामले तो बहुत आगे है, वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर. आईफोन 10 में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, और जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे फेस अनलॉक उतना कन्वीनियंट नहीं लगता जितना कि फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है. एंड आपको रियर में काफ़ी अच्छा लुक देखने मिलेगा, कहीं ना कहीं सैमसंग की याद दिलाता है. एंड रियर में आपको डुअल कैमरा देखने मिल जाएंगे. एंड यहाँ पर अब आपको ग्लॉसी बैक देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी हद तक सैमसंग से मिलता जुलता है. एंड कैमरे की पोजीशन भी चेंज कर दी गई है, लेकिन अभी भी इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं है. और यहाँ पे अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर आपको नॉच दिखेगी, एंड नॉच को आप हाइड भी कर सकते हैं. ये ऑप्शन इस OnePlus में काफ़ी अच्छा दिया है. कुछ लोगों को नॉच अच्छी नहीं लगती है, तो उस नॉच को ब्लैक कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो नॉच दिखना बंद हो जाएगी. एंड अगर बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, जैसा कि सभी लोग जाना चाहते थे यूजुअली परफॉर्मेंस में कभी हैंग हैंग तो करने वाला है नहीं. 6GB रैम का ऑप्शन है, 8GB रैम का ऑप्शन, इवन मैं 6GB रैम का ऑप्शन को मैंने यूज़ किया, मुझे कोई हैंग का इशू तो देखने ही नहीं मिला. और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का फुल्का बोके इफेक्ट देखने मिल रहा है. ये मैंने बिना बोके इफेक्ट के यूज़ किया, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट पर फोकस किया है और पिक्चर्स को क्लिक किया है, और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको इस कैमरे में देखने मिल जाएगी. एंड यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं नाइट में क्लिक किया जो पिक्चर्स, तो उसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पिक्चर क्लिक कर पा रहा है ये फोन. एंड अब कर लेते हैं कॉन्स की बात, जो कि यूजुअली अभी तक लोगों को नहीं पता होगा. अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है. एक इशू जो मुझे इसमें देखने मिल रहा है वो है हीटिंग इशू. इसमें हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, इवन सम टाइम्स 47 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है. हीटिंग के मामले में काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है. आई थिंक कैमरे के लेफ्ट में इधर तक प्रोसेसर है, जिसके कारण काफ़ी हीट जनरेट करता है. एंड स्क्रीन भी काफ़ी गर्म हो जाती है अगर आप गेम खेलते हैं या एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर को टेस्ट करते हैं. तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हीट का इशू देखने मिल रहा है, बट मेरे हिसाब से अपकमिंग अपडेट्स में भी रिसॉल्व हो जाएगा. यहाँ पर ये था क्विक रिव्यू OnePlus 6 का. कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में. एंड अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उन्हें अपकमिंग वीडियोज में रिसॉल्व कर सकें. एंड थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो. इफ यू लाइक अवर वीडियो सो हिट लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बाय विच यू विल गेट अपडेट्स ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज.